जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, BSSC से लेटेस्ट न्यूज़ दैनिक जागरण के ऑफिशियल पेज से निकल के आ रही है। तो क्या है हेडिंग, BSSC ने जारी किया प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का प्रवेश पत्र, जाने कब तक होगी काउंसलिंग। और ये न्यूज़ जो है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे आज के ही दिन में 7:30 बजे पेज पर आई हुई थी। तो क्या है पूरा मामला, आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ लिखा गया है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रवेश की मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। यह वैसे 1218 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र हैं जो 2016 में आवेदन के दौरान तकनीकी गलती के कारण गैर आरक्षित श्रेणी में शामिल हो गए थे। इन अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा 18 अक्टूबर को आयोजित की होगी। इसमें शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र अभ्यर्थी आयोग के आधिकारिक वेबसाइट इतना से डाउनलोड कर सकते हैं। इन छात्रों ने 4 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया था। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ ओम प्रकाश पाल जी का बयान है। तो आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी, साथ ही साथ परीक्षा में पेंसिल, पेन, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, लॉग टेबल, ग्राफ पेपर, चार्ट या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे होने पर अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा पुस्तिका के साथ मिले उत्तर पत्रक पर छपा नंबर एक समान होनी चाहिए। इसमें भिन्नता होने पर अभ्यर्थी अपनी परीक्षा पुस्तिका बदल सकते हैं। अभ्यर्थी उनके लिए आवंटित सीट पर ही बैठना सुनिश्चित करेंगे। यदि दिए गए सीट के बगल में बैठते हैं तो उनका उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा के बाद अभ्यर्थी अपना प्रश्न पुस्तिका एवं OMR सीट वीक्षक को लौटा देंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो संबंधित अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने के साथ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब देखिए इंस्ट्रक्शन है, आप जो है जो नए स्टूडेंट है उसको अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ देखिए दोस्तों, अब आ रहे हैं मेन मुद्दा में। तो यहाँ लिखा गया है, BSSC ने प्रथम इंटर स्तरीय 42 विभिन्न प्रकार के 13,120 पदों पर नियुक्ति के लिए की जा रही है। और अब तक आयोग की ओर से दिए गए टाइमलाइन के अनुसार अक्टूबर में 1218 अभ्यर्थियों की मेंस परीक्षा परिणाम जारी करने के साथ ही नवंबर के पहले सप्ताह तक टाइपिंग, आंसू लेखन, शारीरिक दक्षता आदि प्रक्रिया पूरी कर सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया नवंबर के पहले पखवाड़े में आरंभ किया जाना है। तो दोस्तों, यहां दोबारा आयोग के सचिव का बयान आया है कि नवंबर में किसी भी हालात में आपका काउंसलिंग होगा। तो इसकी क्या सच्चाई है, अब ये नवंबर में जाके ही पता चलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, बिहार SSC जो है बहुत माइंड गेम खेलती है, वो लॉलीपॉप दिखा के जो है लेट करती है। आप देख, आप भली भांति परिचित होंगे कि क्या रवैया है बिहार SSC का इंटर स्तरीय के प्रति। तो दोस्तों, लगातार हमें यही प्रेशर बनाना है कि किसी भी तरह नवंबर में काउंसलिंग हो जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, और यही न्यूज़ थी। तो वीडियो को में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।